इसके आगे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, नंबर थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे अब। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इंटीग्रेशन लगाने का। 10 साइन एक्स प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, 10 साइन एक्स प्लस 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5x, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान देंगे कि 1 अपान x का इंटीग्रेशन होता है log x, केवल इसी फॉर्मूले में x हमेशा नीचे लिखा होता है, बाकी किसी भी फॉर्मूले में x कभी नीचे नहीं लिखा होता है। तो जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर x है, इसे हम पहले ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सब पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 अपान cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, क्या होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा यानी x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x और dx। तो देखिए अब मैं तीन फॉर्मूले आपको और बता देता हूँ, तीन क्या वो 6 फॉर्मूले हो जाएंगे। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 अपान कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा, आप याद रखेंगे। इसी प्रकार देखो मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा हो जाता है और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा होता है। ये छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आप हमेशा यूज होगा क्वेश्चन लगाते समय, कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है, आप इसे भी याद करके चलेंगे, ठीक है। दो चीज मैं और बता देता हूँ आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, या कॉट थीटा की बात करें तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए 1 अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस 5 और x का इंटीग्रेशन x की पावर n मान लेंगे, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अभी इस चैप्टर में ना हम लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही ये फोर्थ फिफ्थ क्लास के फॉर्मूले हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं साथ में बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको यूज हो सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी,
अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करना हो तो सभी जगह आप क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों फॉर्मूले में, यह है ए प्लस बी का होल क्यूब और यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप हमेशा, ठीक है। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें याद करना है तो क्या करेंगे, जहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ माइनस कर देंगे ए माइनस बी, और यहाँ पर जहाँ प्लस था माइनस था वहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इसका यूज हो जाएगा, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, देखिए ये पहला लेक्चर है मेरा, तो मैं इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, और जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज हो रहा है उसमें मैं सभी फॉर्मूले आपको बताऊंगा, लेकिन अगले लेक्चर से आप ध्यान देंगे कि ये फॉर्मूले अगर मैं रिपीट करूंगा वहाँ पर तो बहुत टाइम लगेगा और हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान देंगे कि जो भी फॉर्मूले यहाँ पर यूज हो रहा है उसे आप, मैं यहाँ लिखता चलूँगा और आप उसे याद कर लेंगे, हालांकि मैं वहाँ आपको फॉर्मूले बताऊंगा लेकिन लिखूंगा नहीं वहाँ पे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो आ गया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं भी लिखा हो उसे क्या लिख देंगे हम, वन। इसी से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले में दो फॉर्मूले आपके और बन गए, यानी तीन फॉर्मूला हो गया आपका ये। इसी प्रकार मैं और बता देता हूँ आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, इससे भी हम दो फॉर्मूले और बना लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यहां से भी हम दो फॉर्मूले बना लेंगे, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो आपके नौ फॉर्मूले हो गए ये, ठीक है। ये नौ फॉर्मूले कभी भी कहीं भी आपको यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बताया हुआ है और कोसेक स्क्वायर थीटा का बताया है, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का नहीं बताया है। तो कभी भी अगर मान लो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो उसे आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखेंगे, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है वन का भी इंटीग्रेशन होता है। ऐसे ही कॉट स्क्वायर थीटा का जब भी इंटीग्रेशन आ जाएगा तो आप उसको चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और वन का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस। अब फिर यहां एक फॉर्मूला आ गया, अब इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, और ये ऐसे फॉर्मूले हैं ना कि हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूले यूज होता है। इंटीग्रेशन का तो बहुत कम यूज है, लास्ट में इंटीग्रेशन होता है, लेकिन उससे पहले बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले आपके यूज होने लगते हैं। देखिए साइन 2a अगर कहीं लिखा है, a मीन्स थीटा है आपका, तो साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 नहीं लिखा है यहाँ पर, केवल साइन लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन a बाई टू इंटू कॉस a बाई टू। यही चीज है यहाँ पे,
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो हमें मालूम है वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब जब मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको तो साथ में दो तीन फॉर्मूले और बता देता हूँ, जैसे कॉस 2a का फॉर्मूला याद कर लीजिए लेंगे आप 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या इसी का अगर यहाँ पे 2 नहीं है केवल a लिखा है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। कॉस 2a का एक फॉर्मूला चलिए और बता देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या कॉस ए अगर केवल लिखा है 2 हटा देंगे तो वही 2 यहाँ पर बाई 2 कर देंगे आप, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी टेन 2a का भी होता है, कॉट 2a का भी होता है, साइन 2a का और भी होता है एक फॉर्मूला, कॉस 2a का भी, अभी दो फॉर्मूले और होते हैं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बता देंगे तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो इतना बहुत है ठीक है। चलिए एक और बता देता हूँ, कॉस 2a इज इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 हटाएंगे तो बाई टू लग जाएगा आपका ठीक है। कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। अगला हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चार क्वेश्चन हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाने से आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा, और जितने भी फॉर्मूले आपको आगे यूज होने वाले हैं वो सभी फॉर्मूले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, उसे भी मैं बता दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि x का इंटीग्रेशन करो फिर 2 का इंटीग्रेशन, नहीं, जब तक उस पर पावर लगा हुआ है या अंडर रूट लगा हुआ है तो पहले उसे जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक उसका हम इंटीग्रेशन कभी नहीं करेंगे। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस sec स्क्वायर x। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर दो और एक कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसके साथ क्या लगा देते हैं एक्स प्लस 4, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 बाई 2 हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। आप चाहो तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4x, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा सॉरी ये तो अलग है 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस सी, दिस इज आंसर। और क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए 1 प्लस साइन 2x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हमेशा ये क्वेश्चन मिलता रहेगा आगे भी चल के ठीक है, आगे भी आपको क्वेश्चन में ये इसका बहुत यूज होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो जब भी रूट में 1 प्लस साइन 2x लिखा हुआ है तो हम पहले उस अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और इसके हटाने का बस एक ही तरीका है, क्या तरीका है कि आप 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है, यहाँ पे थीटा के रूप में क्या है एक्स है तो एक्स ले लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और मैंने अभी आपको बताया कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अभी जस्ट मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है,
दोनों ही फॉर्मूला मैंने बताया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है और साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये भी मैंने अभी तुरंत आपको बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन ना, और दोनों का इंटीग्रेशन हमें फॉर्मूला मालूम है। क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन अपान साइन एक्स इंटू टेन एक्स, वन अपान साइन एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा। तो देखिए आपको अगर फॉर्मूला याद है ना तो आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि साइन का उल्टा क्या होता है और टेन का उल्टा यानी अपोजिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो और उसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन जा रहा है। देखिए वन अपान साइन थीटा इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया कोसेक थीटा होता है, क्या होता है कोसेक थीटा, और वन अपान टेन, वन अपान टेन थीटा इज इक्वल टू टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉट थीटा इंटीग्रेशन ऑफ, और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स। तो जब तक आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना तभी आप कर पाएंगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस आप उसे ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नीचे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या काम करेंगे इन दोनों का अलग अलग डिवीजन कर लेंगे, कैसे साइन स्क्वायर एक्स अपान में ये इसके बटे में ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके अपान में ये भी है और इसके अपान में भी ये है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हमने क्या किया अलग अलग कर लिया, क्योंकि आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास वन अपान कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, और वन अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपान साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का रख देंगे और या तो इनका पहले अलग अलग कर लेंगे, इस प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कितने आसानी से बहुत इजी पूर्वक ये सॉल्व हो गया। ठीक है,
तो इसी प्रकार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आगे हम लोग नए लेक्चर में फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर से संबंधित बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। यहाँ पे हम जितने छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने हमें ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे और उतनी ही आसानी से हम आने वाले चैप्टर में, जो कि काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ये तो सब एक एक नंबर, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वैसे मोस्टली सब एक नंबर वाले ही क्वेश्चन हैं ये, तो इस एक नंबर वाले क्वेश्चन से क्या फ़ायदा है आपको लगाने से, कि आपको इनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे और छोटे छोटे जो बेसिक कैलकुलेशन होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा वहाँ का दो नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तीन नंबर वाले जो 3 मार्क्स में आते हैं वो सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।